शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मालकिन मालकिन सब कुछ तबाह हो गया, तबाह हो गया सब कुछ मालकिन। ये सब हुआ कैसे, किसने मचाई ये तबाही? मालकिन गुंडुप्पा स्वामी का आदमी आए रहे और सारे मजूरन के जानवर की तरह पीट के चले गए मालकिन, और ये धमकी दे गए कि अगर कोनो मजूर आपके साथ काम करेगा तो ओकरे साथ ओकरे सारे खानदान का सत्यानाशी होगा। उसकी इतनी हिम्मत, क्या कानून नाम की कोई चीज नहीं है? कानून है नहीं, हम पैदा हुआ कानून मर गया, हमारा घर का तिजोरियों से काट 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 कर खा गया। मैं पूछती हूँ तुम्हें क्या हक है मेरे मजदूरों पर जुल्म करने का? ची 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 नारे भगवान सहदा ले भाम खड़े पाए सर, हम महात्मा गांधी का भगत अहिंसा का पुजारी, लेकिन हमारा आदमी लोग बहुत आरामी साला। हम उनको बोला कि तुम्हारा मजदूर लोग को हल्लू 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 प्यारे से मारो, लेकिन वो बहुत हरामी, वो तुम्हारा मजदूर लोग का बहुत जोर से मारा, किसी का टकला फूटा किसी का टंगरी टूटा, हमको आंख से टप टप पानी आया जी, इस वास्ते हम इधर तुम्हारे पास सेटलमेंट करने को आया जी। तुम सेटलमेंट करने नहीं, जबरदस्ती का सौदा करके मुझसे टकराने आए? टकराने का काम गेंडे का बैल का सांड का गुंडप्पा स्वामी का नहीं जी, हमा सबको बड़े प्यार से सर 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 कह के पुकारा था जी, लेकिन हमारा सर का बात किसी के सर में नहीं घुसता, तुम्हारा आदमी लोग उसका सर को काट डालता। धमकी देने आई हो? हम देने को नहीं जी, हम देने को आया तुम्हारा फैक्ट्री और जमीन। इससे पहले कि मैं तुम्हारी बेइज्जती पर उतरा, अपनी धमकी अपने साथ लेकर निकल जाओ यहाँ से। अम्मा अम्मा हम तुम्हारा घर का सीढ़े पीढ़ी पीते पीते उतरता, लेकिन हम जब चढ़ेंगे ना तो बहुत लपड़ा लेकर चढ़ेंगा, फिर तुमको बहुत भारी पड़ेगा जी, बहुत भारी हम जाता। बेटी ये तुमने क्या किया? बेटे ये गुंडप्पा तो बड़ा नीच बड़ा कमीना आदमी है, मुझे तो फिक्र है कि कहीं वो हर टेढ़े आदमी को सीधा करने का कोई ना कोई रास्ता जरूर होता है, और फिर जुल्म और धमकियों से फैक्ट्री बंद नहीं होती।
डैडी, मेरी लाख कोशिशों के बावजूद भी कोई मजदूर काम करने को तैयार नहीं है। बेटे, ये लोग काम करेंगे तो गुंडप्पा स्वामी के गुंडे इन्हें मार देंगे, और नहीं करेंगे तो भूख इन्हें मार देगी। ये बेचारे कर भी क्या सकते हैं? तो क्या हम अपनी जमीन, अपनी फैक्ट्री गुंडप्पा स्वामी को कचरे के दाम बेच दें? और कोई रास्ता भी तो नहीं बेटे? अरे रास्ता रंगिया करे है मालिक, रंगिया करे। एक बार वो मानुष गांव में आया ना, मत गुंडा लोग इस गांव का रास्ता भूल जाएगा। कौन है वो? अरे लय डेंजर मानुष है, उसका एक फटका मंजे 1000 वोल्ट का झटका। तो बुला लो उसको। अरे मालकिन, जंगल का शेर जैसे मटन का बास सुनकर आता है ना, वैसे अपना ये शेर नोटों का बास सुनकर आता है। नोटों की परवाह मत करो गंगिया, कीमत जितनी वो चाहेगा और काम जो हम चाहेंगे। फेल, कसूरी आखिर यो बताए गई। इसमें तो अपने पहलवान होना च मांगता है। एक एक करके सारी बस गांव में उतर गई, लेकिन वो तुहार ससुर का नाती पहलवा नहीं आवा। ए, मेरे को चिल्लाने का नहीं, चुप। मैं तेरे को पहले ही बोला था ना, जैसे मच्छी फंसाने के लिए चारा जास्ती डालते हैं, वैसे इसको बुलाने के लिए माल पानी जास्ती भेजने बनता है कि नहीं? तुम कंजूसी किया ना? मालकिन बोला जास्ती भेज, तुम कमती भेजा, तेरे को ऐसे ही मांगता है आया नहीं। अच्छा हुआ, चला तो घर जाऊ नहीं सब ले। खाउन खाउन मोटे जाले, कहीं तेरी बाहर आले। बाप रे बाप, ये आदमी है या पैजामा, पूरे बस में बास ही बास। लगता है ये बस नहीं जा रही बल्कि दारू जा रही है। उफ, हैरान कर दिया। चल बाला चल। अरे मुनीम, ये जो अपना पहलवान है, ये जो अपना अवतार, ससुर अवतार है। जौन ससुर अपने आप को नहीं संभार सकता, वो गांव को कहां संभालेगा? वो गुंडम से कहां टकराएगा? चुप। अरे तुला काय माहिती? अरे शेर जब उठता है ना तो अखा जंगल को संभाल लेता है, ये मेरा शेर जब उठेगा ना तो अखा गांव को संभाल लेगा। आई आई हो, यह किधर का शेर है जी? हमको तो ये शक्ल से इधर लगता। आया आया आया, इधर भी नहीं जी, गांव का कीचड़। इन आदमी लोग का थोड़ा सा खोपड़ी तोड़ना और थोड़ा सा अट्टी तोड़ना और बाद में इस कीचड़ को कटर में फेंक देना चाहिए। स्टार्ट। तुम हमको पिटवाया? चटनी डाली, दारू उतर गया, अनकिन पैसे दे। अरे मुनीम, जब तक ये कोमड़ा नहीं बोलेगा ना तब तक अपने को मार खाना च पड़ेगा। जब ये मुर्गा बोलेगा ना तभी जब अपना पहलवान उठेगा। बोल अरे बोल बाबा, बोल लौकर बोल। मार गो गन वाट लागली, बोल।
जय बजरंग बली। एक मिनट, अबे तू फिर आ गया, वो भी अकेला। गलत बात, तूने बचपन में वो कहानी नहीं सुनी, एक लकड़ी तोड़ो टूट जाती है, एक साथ तोड़ो नहीं टूटती। तुम सब मिलकर छह हो, अगर एक साथ आओ तो अपुन खलास। फाइटिंग का असूल नंबर एक, दुश्मन पर कभी विश्वास मत करो। तुम दुश्मन पर विश्वास किया, तुम लोग का चानस गया। अब ये अपुन का चानस मतलब तुम लोग खलास। रुक जा, ये रुमाल तेरे। सब लोग खलास। आये हो, हम इसको गीदड़ बोला, लेख लिए तो गीदड़ का काल में चुपेला शहर निकला। अवतार, अरे अवतार, अरे उठा भैया, तोहरी ड्यूटी का बखत कोई गवाह है। अरे तेरे ड्यूटी को लंगोटी मारूं, खुर्दा धोती आ गया तू। अरे वो तो दिलदार स्वामी मुझे मिल गया, इसलिए अवतार यहाँ रुक गया। अरे देखा मालकिन तो से मिले आए। हाँ। कौन मालकिन यार, कौन? नमस्ते। अवतार, इस गांव में उतरते ही तुमने यहाँ के गुंडों का जो स्वागत किया है, वाकई हम तुम्हारी तारीफ किए बिना नहीं रह सकते। तुम्हारी हिम्मत देकर मजदूरों में भी हिम्मत आ गई है, वो काम पर जाने के लिए तैयार हो गए हैं। हमें ऐसा लग रहा है जैसे अब हम अकेले नहीं रहे, हमारा साथ देने वाला हमारा कोई साथी आ गया है। ऑल द बेस्ट, बाय। नमस्कार बाबूजी। नमस्कार, नमस्कार। नमस्ते बाबूजी, आज हम आप ही के बल से काम पर लगे हैं। बिंदास, डरने का ना है। तुम संगीता जी की लकड़ी काटो, मैं दुश्मन की मुंडी काटूंगा। नमस्ते संगीता जी। नमस्ते अवतार जी। जी, मुझे जी कहा? तुम्हारी बहादुरी की कसम, तुमने सारे गांव का ही नहीं हमारा दिल भी जीत लिया है। सच? अरे हाँ अवतार जी, मैं आपको, अरे ये रुपए कैसे? संगीता जी, मैं आपकी ये पैसे लौटाने आया हूँ। कमाल है, हमने तो सुना था कि बगैर पैसे के तुम मच्छर भी नहीं मारते। वो संगीता जी, वक्त और हालात तो किसी को भी बदल देते हैं, और मैं तो इंसान हूँ, और रही मच्छर की बात, वो तो इंसानों का खून चूसते हैं। मैं तो कभी कभी थोड़ी सी शराब पी लेता हूँ। तुम्हारा ये मजाक वाला अंदाज हमें बेहद पसंद आया। और मुझे आप। वैसे पसंद तो आप भी हमें आए हैं। हाँ, हमें ही क्या, सारे गांव वालों को भी पसंद आए हो, इसीलिए गांव वाले आज तुम्हें मान पत्र देने वाले हैं। मान पत्र? हाँ, मगर तुम वहाँ शराब पी कर मत आना। जी जी, आज के लिए पीना बिल्कुल बंद। पीना क्या, आप कहे तो जीना छोड़ो। नहीं बाबा, मेरे लिए तुम्हारा जीना बहुत जरूरी हो गया है। तब तो नहीं पीऊंगा,
आज एक बूंद भी नहीं पीऊंगा। ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। मेरे लिए? हाँ, तुम्हारे कारनामों पर मामूली सा इज्जत भरा तोहफा। क्या हुआ? संगीता जी, बचपन में मेरा एक दोस्त था जो हमेशा इसी तरह मुझे तोहफे दिया करता था। बिछड़ गया मुझसे। यह रही उसकी तस्वीर। अरे राम, क्या बढ़िया साइकिल है यार। ये मेरे दादाजी ने दी है। एक राउंड चलाने को देना यार। चलाने? अरे देखने दिया, यही क्या कम है। और ये मेरी पसंद की साइकिल है, और मेरी पसंद की चीज मैं किसी को नहीं देता। चला, बहुत भाव का है। क्या बजाता है तू, तेरा भी जवाब नहीं और तेरा भी कमाल नहीं। लोग तो मुर्गे की कुकड़ को सुनकर उठते हैं, और तू यार ये वायलिन की धुन सुनकर। अरे यार वो देख कितनी खूबसूरत साइकिल है। अरे ये तो एटलस की साइकिल है, और वो भी घेर वाली। बड़ी कीमती होगी। हाँ यार वो तो है, मगर यार जिसकी भी होगी बड़ा किस्मत वाला होगा। तुझे साइकिल इतनी पसंद है? छोड़ यार, जो चीज मिल नहीं सकती उसे पसंद करके क्या फायदा। अरे पगले, ये साइकिल मैं तेरे लिए तो लाया हूँ। क्या, ये साइकिल तू मेरे लिए लाया? हाँ हाँ तेरे लिए, ये ले चाबी। वाह यार क्या साइकिल दी है ये। राम तू तो कहता था कि मैं अपनी साइकिल किसी को नहीं देता हूँ, तो फिर इसे कैसे दे दी? बताओ क्यों? क्योंकि अवतार मेरा दोस्त है। बेटे विलायत नहीं जाओगे तो अपने पिताजी का इतना बड़ा बिजनेस कैसे संभालोगे? नहीं दादाजी, हम अपने दोस्त अवतार को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। अच्छे बच्चे जिद नहीं किया करते। एक ही तो दोस्त है हमारा, क्या मुझसे भी दूर हो जाएंगे? दोस्त कभी दूर नहीं होते, क्योंकि दोस्ती तो दिलों में जीती है। अरे विलायत से जब तू पढ़ लिख कर खूब बड़ा आदमी बनकर आ जाएगा ना, तो इस गाँव में तेरा भी भाव बढ़ जाएगा। क्या तू भी यही चाहता कि मैं तुझे छोड़कर चला जाऊँ? इस तरह रोते हुए नहीं, हंसते हुए जाएगा तू। हर रोज कैलेंडर में तेरे लोड कराने वाली तारीख को ढूंढता रहूंगा मैं। अब जिस तरह उसकी यादें मेरे पास हैं, शायद मेरी यादें भी उसके पास होंगी। अब कहाँ है तुम्हारे ये दोस्त? आओ बेटे आओ, वेलकम होम।
बेटे तुम्हारे कदम क्यों रुक गए? क्या हुआ दादाजी? अवतार कहाँ है? ना वो एयरपोर्ट पर था ना यहाँ घर पर है। मेरी आंखें उसे देखने को तरस रही हैं। क्या बात है दादाजी, आप चुप क्यों हैं? क्या बताऊं बेटे, तुम्हारे जाने के बाद गांव में जबरदस्त तूफान आया, सैलाब में सब कुछ बह गया, हमारा घर भी और अवतार का घर भी। मगर दादाजी उसका कुछ तो पता होगा। खबर मिली थी बेटे, कुछ दिन पहले अवतार को किसी ने श्रीनगर में देखा था। चले क्या? अरे चल ले। तू हंस क्यों रहा है रे? नीचे देख। हैंडसम दिखता अपना तो आधा जिंदगी चड्डी में घुस गया, सब काम चड्डी में चलता है अपने तो। किधर गया उधर? उधर क्या देखते हैं? संगीता में हम सब बोले दारू नहीं पीने का आज। क्या गंगिया, मैं पीऊंगा थोड़ी, मगर अंदर जाने में क्या बुराई है? अंदर जाने में कोई बुराई नहीं है। आइए अवतार, आज तो बहुत चमक रहे हो, चश्मे पर दूर बैठिए। बैठे? हाँ हाँ, बैठने में क्या बुराई है? अरे तू भी गंगिया, बैठने से थोड़ी कुछ होता है। बोलिए साहब क्या लाऊं, संतरा, मौसमी, नारंगी, अंगूर? एक गलीचा ब्योड़ा। बहुत अच्छा, पीऊंगा थोड़ी गंगिया, मंगवाने में क्या बुराई है? मंगवाने में क्या बुराई है? मंगवाने में क्या बुराई है? ये लीजिए। ये क्या कर दोस्त, क्या कर दोस्त? अरे खोलने में क्या बुराई है गंगिया, खोलने में क्या बुराई है? खोलने में क्या बुराई है? गंगिया मैं पीऊंगा थोड़ी, तो डालने में क्या बुराई है? डालने में क्या बुराई है? डालने में क्या बुराई है? डाल, मेरे घर में भी डाल डाल। हाँ पूरा गांव पी रहा। हाँ पूरा गांव पी रहा है। तो फिर पीने में क्या बुराई है? पीने में क्या बुराई है? पीने में कोई बुराई नहीं। कोई बुराई नहीं। नहीं नहीं आज पीने में बुराई है। संगीता जी ने कहा आज शराब मत पीना। चल बिल्ले, अपने को तो किसी ने ना बोला नहीं। ये उतर आज तो तूने रिकॉर्ड तोड़ डाला। अरे दारू की खोली में जाऊं पर दारू नहीं पिया। अरे यार गिलास में डालने के बाद भी नहीं पिया। नहीं पिया, नहीं पिया।
तो फिर आप नहीं पीने की खुशी में प्यून टक प्यून टक। गड़बड़ है भाई, गड़बड़ है। संगीता जी ने बुलाया प्रोग्राम में और तू साला घुस गया दारू की दुकान में। क्या क्या ब्रांड है बाप। मगर ये किसके लिए है? ये सब तुम्हारे लिए है। देखते क्या हो, उठाओ ये सारी बोतलें और पी जाओ एक ही सांस में। वहां हजारों लोग तुम्हें मान पत्र देने के लिए इंतजार करते रहे और तुम शराब के नशे में धुत न जाने कहां पड़े रहे। मैंने तुम्हें अपना समझा, अपना माना, मगर मुझे क्या पता था कि तुम मुझसे ज्यादा इस शराब का अपना समझते हो। पीलो, पीलो सारी की सारी शराब और झूमते रहो नशे में सारी जिंदगी। तुम सब हंसती रहोगी या कुछ बोलोगी भी? अरे भाई, हमने कुछ सुना है। क्या सुना है? क्या बताएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो वहाँ और तुम हमारे साथ घूमने जा रही हो, वो भी पूरे एक हफ्ते के लिए। मतलब? मतलब मतलब कुछ नहीं, हमें सब मालूम है तुम्हारा और अवतार का कोई चक्कर है। वो नोच लूंगी मैं तेरा, शर्म नहीं आती तुझे? तुम जैसे लोग ही दोस्ती और हमदर्दी को मोहब्बत का नाम लेकर बदनाम करते हैं। मतलब तेरा और अवतार का कोई चक्कर नहीं? नहीं नहीं, कुछ नहीं। तुम्हारा चक्कर कुछ भी नहीं, तो तुम्हारा चक्कर आखिर है किसके साथ? होगा कोई ना कोई, कहीं ना कहीं जब वक्त आएगा वो भी आ जाएगा। बाय। संगीता कमाल है, कितनी देर लगा दी तुमने। हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। अब खड़ी क्या है, चल ना। मैं तो स्लिप में ऐसे चिपक गया हूँ जैसे पोस्ट कार्ड पर एक स्टैंप चिपक जाता है। सच कहता हूँ, आपके इस खूबसूरत चेहरे ने तो मेरे पैरों में गोंद लगा दी है। क्या नाम है आपका? खैर, आपका नाम जितना भी खूबसूरत हो, लेकिन जितनी आप खूबसूरत है ना, उससे ज्यादा खूबसूरत नहीं हो सकता। कमाल है, आप तो कुछ बोलती ही नहीं और मैं नेवर माइंड। वैसे भी मुझे कम बोलने वाली लड़कियां बहुत पसंद है, क्योंकि मैं जो हूं ना कुछ ज्यादा ही बोलता रहता हूं। देखिए ना कितनी जल्दी वक्त गुजर गया है ना। सुनिए जी, जी लगता है अब हम दोनों की मुलाकातें होती रहनी चाहिए। ये मेरा कार्ड, जब भी दिल चाहे नंबर डायल कर लीजिए, हम आपकी नजरों के सामने होंगे। थैंक यू। वेलकम। हाय हैंडसम। हाय, लगता है ये किसी और को बुला रही है, मुझे नहीं। हाँ तो
पहचाना नहीं मुझे क्या? मुझे तो नहीं पहचाना, लेकिन इस कार्ड को तो जानती हूँ ना। निशाना लगा लेते हैं। निशाना तो इनका लग चुका है मेम साहब। तुम कौन हो? वही जो निशाना बन चुका है ना? चलो रे चलो, लैला मजनू और शरीफ फरहाद के बीच में आने वाले मोहब्बत के दुश्मन कहलाते हैं। रीता, आपकी सहेलियाँ ठीक कह रही हैं। कहाँ जा रही हैं आप? छोड़ो मेरा हाथ, वरना मैं चिल्लाऊंगी। ऐसा मत करना, लोग समझेंगे तुम पागल हो। मैं कहती हूँ। क्या कह रही है आप, कहो ना। मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। बड़ी मेहरबानी होगी आपकी, मारो ना। ए मैन, नो डायलॉग पाजी। हाय बेबी, हमारा नाम मार्कोनी। हाय मैन, जब भी कोई करता है ऐसा जबरदस्ती प्यार का पानी, हम पहुंच जाते हैं मारने को कोनी। हमारा नाम मार्कोनी। हाय बेबी, डोंट वरी। ए मिस्टर। नो मिस्टर, मार्कोनी। ऐसी कोनिया मारूंगा तुझे तेरी नानी याद आ जाएगी, समझा? मैन, नो फाइटिंग। देखो छोकरी तुम पे मरता नहीं है, फिर तुम सब ऐसी काय को करता है। मैन, किधर भी जाओ कोई छोकरी बताओ, इस मामले में तांग मत उड़ाओ। अरे बाय 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 बाय। अच्छा हुआ तुमने उस पागल से मेरा पीछा छुड़ा दिया। थैंक यू मिस्टर कार्मनी। मार्कोनी, जो भी है मैं चलती हूँ। व्हाट बेबी, हमने तुमको उस एनिमी से बचाया और तुम जाता है? ओह नो बेबी, इस नई दोस्ती के नाम पर यू ओल्ड स्टाइल का जाम पीता है। क्या पीता है? यानी कि शरबत। अरे लटके जब कमरिया, ई ले साहब, ई तोहार शरबत और ई मैन साहब का। मैन, पाउडर तो डाला ना। अरे जब हम बोले डाला, फटाक से अंदर जाई और फटाक से लड़की झूमे तुहार गोद में। अब नशा उतर के बाद कोनो बात का चिंता नहीं भैया। Damn good, damn good। क्या शरबत पिलाया तूने मार्कोनी? वाह 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 वाह, मजा आ गया। तुम मार्कोनी हो या खानदानी धोबी? धोबी? No baby, no धोबी। लॉन्ड्री। सॉरी सॉरी सॉरी, अब समझी, तुम कपड़े उतार कर मेले में जाकर बेचोगे। हम कपड़ा काय को बेचेगा डार्लिंग, हम तो ब्यूटी को खरीदने वाला है। तुम डब्बा बटने वाला है? ओह नो डार्लिंग, अब तो तुम्हारा नशा उतारने के लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा हमको। आप जरा पकड़ेंगी? इससे कमान यू प्लाडी रोमियो। न रोमियो, मी मा खोना। ऐसे कोनिया मारूंगा तुझे तेरी नानी याद आ जाएगी। आया ये क्या? तुम तो गिर गए। देखो इसको लेट से लॉक करके लाइट बंद कर दिया। समझ गए? Good idea!
टाइगर। थैंक यू वेरी मच। अगर आज तुम ना होते तो मेरी जिंदगी में बहुत गड़बड़ हो जाती। तुम ठीक कहती हो। क्या एक बात बोलो। कहो। तुम सचमुच हीरो लग रहे हो। दिल से काम करते हो क्या? अरे क्या हो गया तुम्हें? कुछ नहीं हुआ, मगर मगर जरूर कुछ हो जाएगा। वाह 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 वा। क्या फाइटिंग किया तुमने, क्या विलन की मिठाई की, क्या धुलाई की तुमने। मेरी पिटाई क्यों कर रही हो? तुम सचमुच हीरो लग रहे हो। हाय रब्बा। काम करते हो क्या? हाँ करता हूँ। भाई वाह, नाम हीरो का देकर काम आया कर दे दिया। Oh,
दिल की बातों में आके खत्म हो गया। वेरी गुड। पेट्रोल खत्म, दिन खत्म और रात। चलो तुम भी सो जाओ और मैं भी सो जाती हूँ। चलो हम लोग। ये क्या कर रही हैं आप? पागल लड़की है। आई लव यू। गायब? किधर गया? ये हीरो तो सो रहा है, तो फिर ये हिरण क्यों जाग रही है? ये हिरण भी सो जाती है। चलो मैं सो जाती हूँ। मैं कहाँ आ गई? मैं कहाँ आ गई? हाँ। तुम्हें कुछ याद नहीं? नहीं। वो फाइटिंग डिशुंग 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 डिशुंग। हाँ। अरे वो प्यार मोहब्बत की बात है। कैसी बात है? अरे हंसी मजाक। हंसी मजाक? वो गाना। कौन सा गाना? अरे वही दिल दिया मन दिल ललिया। बदमाश, तुमने मेरे बेहोशी का पूरा पूरा फायदा उठाया है। नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अगर तुम देर हो तो मेरे पास भी समोसे हैं। बनाने का प्रोग्राम समाप्त, अब आने का प्रोग्राम आरंभ। आहा जय हो। हेलो अवतार, मैं संगीता बोल रही हूँ। संगीता जी, अरे इसे हाथ में क्यों पकड़ के रखा है? प्लेट में रख देना। अवतार, हेलो, तुम सुन रहे हो ना? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल सुन रहा हूँ, आप हुकुम कीजिए ना। देखो मैं, देखो बुद्धू, प्लेट में तो रख दिया लेकिन देख कितना सूखा लगता है। देख क्या रहा है, वहाँ जग में पानी पड़ा है, डाल दे उसमें। हाँ
अरे इतने नहीं, पूरा डाल देना। बोलो अवतार, क्या हाल है तुम्हारा? हाल हाल मत पूछो संगीता जी। क्यों, कुछ कुछ गड़बड़ होगी क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने सब ठीक कर दिया है। अरे क्या खाक ठीक है, खाली पानी से क्या होगा, उसमें काला मसाला तो डाल। मैडम यही ना? यही ना। हाँ हाँ यही। अरे लल्लू जरा जरा से क्या डालना, जितना ज्यादा डालेगा उतना ही ज्यादा मजा आएगा। शाबाश, अब इसको अच्छी तरह से मसलना। बोलूं क्या, सुनता रहा हूँ। अच्छा तो सुनो, तुम फौरन यहाँ चले आओ। चले आओ, खाकर या बिना खाए? खाकर आओ, बहुत बड़ा मुकाबला करना है, एक गुंडे की पिटाई करनी है। ठीक है, ओके। लगता है ये खाने से बदन में ताकत बढ़ती है। रेड़ा मुंजा नाला आईना आज एलो रंबा हमारा मैग्निफिसेंट सेवन तकला कहेंगा। अबे अवतार का बच्चा इस रास्ते से आने का, उसका छोड़ने का नहीं जी, उसका टकला फोड़ने का, उसका हड्डी तोड़ने का, जैसा मजा रास्ते में नारियल को फोड़ने का ना, वैसे ही उसको फोड़ने का। सैमसन सब बताइए आ रहा। के पीछे साथ और वो भी एक साथ, कैसी बेइंसाफी है ये। भैया तुम हमारा कॉन्ट्रैक्ट वापस करता, हम तुमको गार्ड के पास वापस भेजता ऐसा। अब बोले अप्पा, अब बोले अप्पा, अब बोल बोलम्मा बोलम्मा सारा। तेरा बाप, हमको बाप बोलता और हमारा लुंगी खोलता, हम तो मारा कोपड़े को पोड़ डालेगा, तक लगाएंगे इसको मारा। Thank you.
भाई साहब, आपने बगैर मतलब के मुझ जैसे आदमी के लिए जान की बाजी लगा दी। यार, बगैर मतलब के कोई नजरें भी नहीं मिलाता, मगर आज दो अनजानों को किस्मत ने मिला दिया है, इसका कोई ना कोई मतलब तो जरूर होगा। यार, परसों बाद तुझ जैसा आदमी मिला है। मुझ जैसा? तुझ जैसा। मुझ जैसा? रियली यार, सच बोल रहा हूं मैं। क्या हुआ यार? मेरा पर्स, पर्स तो मैंने अरे तेरे बटुए में कोई कीमती सामान था क्या? हाँ, मेरी जिंदगी से भी ज्यादा कीमती। अरे बटुआ मिल गया, ये रही तेरी जिंदगी। यार तुम सही कह रहे हो, यही है मेरी जिंदगी। इसमें मेरे दोस्त की बचपन की यादें हैं, उसकी तस्वीर है। अरे बहुत तड़पा हूं उसकी जुदाई में, पता नहीं साला कहां होगा। अच्छा दोस्त, मैं चलता हूं, मुझे कहीं पहुंचना है यार।
गुजरे दिन मेरे, तू क्या जाने बिन तेरे हो, कैसे गुजरे दिन मेरे, बिछड़ के तुझसे मैं कितना रोया, आंसू गिन मेरे, मितवा हो दिल ने तुझको याद किया, हर दिल ने तुझको याद किया, पल पल में सौ बार, ऐसी अपनी दोस्ती ऐसा अपना प्यार, ऐसी अपनी दोस्ती ऐसा अपना प्यार, जन्म लिया हमने मेरे साथिया, अलग अलग घर जन्म लिया, लगता है हम दोनों ने एक ही माँ का दूध पिया, अमितवा हो तेरे दिल पे चोट लगे, तेरे दिल पे चोट लगे, दर्द मुझे हो यार, ऐसी अपनी दोस्ती ऐसा अपना प्यार, ऐसी अपनी दोस्ती ऐसा अपना प्यार, हो ले बेटे बच्चा अपनी रानी को मेरी रानी को अपने जाल में फंसाने की ये चाल तेरी बहुत खतरनाक लग रही है। अच्छा तू जो मेरी रानी के घर में घुसकर उसे चारों ओर से घेर कर बैठा है वो कुछ नहीं साला। अरे घेर के तो हम दोनों बैठे हैं, देखते हैं जीत किसकी होती है। हर जीत तो होती रहेगी, ये ले। यार राम मैंने शराब पीनी छोड़ दी। छोड़ दी है मगर क्यों? वो क्या है कि जो मुझे पसंद है उसे पसंद नहीं। क्या मतलब तुझे किसी से साला? अब क्या बताऊं दोस्त, जब से उसे देखा है आंखों ने नींद तक नहीं देखी, इतनी हसीन और हर वक्त अपने सीने से लगाए रखता हूँ। यार अकेला ही देखता रहेगा क्या, मुझे दिखाना। अरे पागल हो गया है क्या? अरे ये क्या? कमाल है, एक तस्वीर के लिए तुमने अपना हाथ जला दिया। हाथ क्या राम, मैं तो खुद को जला दूं। ये तस्वीर नहीं मेरी तकदीर है। वाह यार, प्यार करने वाला हो तो जैसा। मेरी जिंदगी दो ही चीजों पर तो जिंदा है, एक तेरी दोस्ती और एक इसका प्यार। अरे यार जिस काम के लिए मैं आया तो मैं भूल ही गया। कौन सा काम? वो ये मेरी बहू है ना, उसके पीछे गुंडा पड़ गया, उसकी धुलाई करनी है। चल चलते हैं उसमें। नहीं, नहीं, उसके लिए मैं ही काफी हूं। यह हाथ नहीं हथौड़ा है, इन हाथों में पकड़ के और टांगों में जकड़ के एक हड्डी तोड़ झटका और नली तोड़ फटका, हड्डी का चूरा नली का भूसा,
खल्लास। ऐसा क्या? ऐसा। चल तू अपना ख्याल रखना, मैं चलता हूँ। अरे बातों सुन। हाँ बोल। बेस्ट ऑफ लक। तेरी तो। संगीता जी आप बिल्कुल फिकर मत कीजिए, अब उस कुंडे का सर रहेगा और मेरा डंडा, और फिर वो सारी जिंदगी इस डंडे का ठेका लेकर चलता रहेगा। That's good. अब आप बता दीजिए उसका पता क्या है। दिल ले लिया, दिल दे दिया, इकरार कर लिया, प्यार कर लिया, इकरार कर लिया। हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो, मैं संगीता बोल रही हूँ। संगीता? हाँ, संगीता बोल रही हूँ। मुझे मालूम था आप मुझे जरूर फोन करेंगी। कैसे ना करती, दिल के हाथों मजबूर थी। सच कहती हूँ, तुम्हारे बगैर नींद नहीं आती। हाय मर गया, हाय मर गया। तुम यकीन नहीं करोगी राम, अगर नींद आती भी है तो ख्वाबों में तुम ही आते हो तंग करने। सच्ची? हाँ, मैं बेचैन हो जाती हूँ। जी मचल जाती हूँ। तुम मार सकते हो मुद्रा में, मार सकते हो मनु, मार सकते हो। मेरी आंखें खुलती है मगर तुम मेरे पास नहीं होते। मेरे रामू, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? वैसे मुझे कम बोलने वाले लड़के बहुत अच्छे लगते हैं। सच्ची? फिर तो मैं कभी नहीं बोलूंगा। बोलोगे तो नहीं मगर मिलोगे तो सही? मिलूंगा, जरूर मिलूंगा। ऐसे कैसे हो सकता कि मैं नहीं मिलूंगा? पर कब कहाँ कैसे बताइए तो सही। आज अभी इसी वक्त हरपंच वाली टेकरी पर पहुँच जाइए। थैंक यू। वहाँ राम नहीं रावण जाएगा बेबी। तेन अज ही खराब होना सी। सुना था मोहब्बत में इंसान सूख जाता है, यहाँ तो साली लग गया तुमको भी चूना। तीन माल इधर नो वाटर, तीन माल उधर नो वाटर। हाँ, अब तुम जाएगा किधर? तुम बनेगा बिन पानी। पानी, पानी मैं कहाँ से लाऊं? पानी, पानी तो है मेरे पास मगर थोड़ा गर्म है। मोहब्बत में क्या क्या नहीं करना पड़ता। माय डार्लिंग संगीता, वेयर आर यू? ओ आई गॉट यू, कमिंग कमिंग डार्लिंग। माय स्वीट 16 बेबी, मार्कोन इज वेटिंग, कम आउट। ओ गॉड, ये चौकरी है या साड़ी का फैक्ट्री? ओ गॉड, वाटर, पानी पानी पानी। Thank you. Come on. Come out, you baby. मोहब्बत का चौकरी मिल गया। I got my dream girl. Hello, Dracula. कौन है तुम? पानी पिला के मारने वाला। क्या बोला? Stop! उधर हाथ करक, इधर डंडा करक। Why you are beating? You want the money? No money. You cheating my honey? लगड़ा तो तू है ही, अब तुझे लूला बनाता हूँ। लूला? What लूला? अरे लूला नहीं, लूला। चौकरी के लिए लंगड़ा तो हुआ, लूला भी हुआ। नो इंडियन गर्ल्स, बैक टू टाली, बाय बाय बाय। ओए
अंग्रेज की औलाद। ओ गॉड गॉड, तुम कहाँ से आया? हम तो इटली भागता। नो नो मैन, नो नो। ठीक है जा। संगीता, इस आवाज में ऐसा लगता है जैसे कोई चाहने वाला किसी के दिल के तारों को छेड़ रहा है। किसी के नहीं, तेरे दिल के तारों को छेड़ रहा है। हम वहीं से आ रहे हैं। क्या मतलब? ये तेरा वही रोमियो है जिसे तूने पहाड़ी पे बुलाया था। क्या तू तो कह रही थी तेरा अवतार उसकी हड्डी पसली एक ही बिना जाएगा नहीं, और वो तो हड्डी पसलियों के साथ बिल्कुल सही सलामत है। ये तूने अच्छा नहीं किया संगीता। अरे तेरा बड़ा दीवाना है वो, कह रहा था तेरे इंतजार में चाहे कयामत आ जाए पर तुझसे मिले बगैर वापस नहीं जाएगा। ऐसे गुलछर्रे बाज आशिक बहुत देखे हैं संगीता। गुलछर्रे बाज आशिक कयामत तक इंतजार नहीं करते। बोलो ना। तुम्हारी प्यारी भोली भाली सूरत को। हमारी तो भोली भाली सूरत है मगर आप तो
बेहद ही खूबसूरत है। एक बात बताओ, ये क्या है? ये? हाँ ये उंगली। और ये? अंगूठी। और ये? नगीना। तो फिर इन सब का मतलब क्या हुआ? अंगूठी में नगीना, तेरे बिन कभी बिन मुश्किल हो गया जीना जीना जीना। उंगली में अंगूठी, अंगूठी में नगीना, उंगली में अंगूठी, अंगूठी में नगीना, तेरे बिन मुश्किल हो गया जीना जीना जीना। उंगली में अंगूठी, अंगूठी में नगीना, उंगली में अंगूठी, अंगूठी में नगीना।
जीना 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 ओ जीना 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 उंगली में अंगूठी अंगूठी में नगीना उंगली में अंगूठी अंगूठी में नगीना उंगली में अंगूठी अंगूठी में नगीना संगीतो संगीतो ऊपर आ जाओ, देखो मौसम कितना हसीन है। नहीं, मौसम तो यहाँ भी सुहाना है, तुम जल्दी से नीचे आ जाओ। मैं नीचे नहीं आऊँगा, तुम ऊपर आ जाओ। तुम नीचे नहीं आ रहे हो ना, तो मैं जा रही हूँ। ओके बाय, सी यू। प्यार की आग लगा देती है और तुमसे मिलने को तड़पा देती है, और जब भी ये आवाज सुनेंगे ना तो हवाओं पर कदम रखकर दौड़ी चली आऊंगी। और अगर मेरी जगह ये धुन कोई और बजा रहा हो तो? नहीं, ये धुन सिर्फ मेरे लिए वही बजाएगा जो मेरा चाहने वाला होगा, और वो हो तुम, सिर्फ तुम। संगीता मैम सब पिकनिक से वापस आ गई है, तेरे को भुला रही है, जा जल्दी जा। कर रही थी अवतार, आज मैं तुम्हें ऐसी चीज दिखाऊंगी जो तुम्हारी जिंदगी है, जिसके बगैर तुम जी नहीं सकते, और मैं उसे मिलवाने अपने साथ लेकर आई हूँ। कैसा लगा मेरा तोहफा? शराब मेरे लिए? हाँ, तुम्हें बहुत पसंद है ना? संगीता जी, मैंने शराब पीनी छोड़ दी। क्या तुमने शराब पीनी छोड़ दी है? हाँ संगीता जी, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना। समझी, तुम्हारे दिल का मामला भी हमारे दिल की तरह है। वाकई जब कोई सच्ची मोहब्बत करने वाला मिल जाए तो इंसान शराब क्या अपने आप को भी भूल जाता है, बस सिर्फ उसकी चाहत और मोहब्बत का होकर रह जाता है। संगीता जी, मैंने आज तक अपने प्यार को अपने दिल में दबाए रखा था, छुपाए रखा था, लेकिन आज मैं कुछ नहीं छुपाऊंगा। संगीता जी, मैं आपके बगैर एक पल भी जिंदा नहीं रह सकता। हाँ संगीता जी, आप नहीं जानती, मैं आपको अपने आप से ज्यादा चाहने लगा हूं। आपके बगैर मेरी दुनिया में चली गई।
नगीना तुमने में अंगूठी अंगूठी में नगीना तेरे बिना तेरे बिन कभी दिन मुश्किल हो गया जीना 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 तुमने में अंगूठी अंगूठी में नगीना तुमने में अंगूठी अंगूठी में नगीना उंगली में अंगूठी अंगूठी में नगीना। बेटे राम चाचा जी कौन सा नगीना मिल गया है बेटे जो इतना खुश नजर आ रहा है तू? अरे दादाजी आप कहते थे ना कि आपको घर में चहल पहल के लिए कोई चाहिए, घर की देखभाल के लिए, आपकी देखभाल के लिए, मेरी देखभाल के लिए, इसलिए मैंने सोचा कि बहुलिया हूँ दादाजी। सच बेटे? तो इसका मतलब ये है सालों बाद इस घर में शहनाइयां बजेंगी, ढोल ताशे और बैंड बाजों का तूफान गूंजेगा। याद सदा तू रखना, याद सदा तू रखना ये दिन साल महीना उंगली में अंगूठी अंगूठी में नगीना उंगली में अंगूठी। ये तू क्या कर रहा है? मेरे प्यार का गीत। किससे प्यार करता है तू? संगीता से। संगीता? हाँ राम, संगीता से। मेरी जिंदगी, मेरा प्यार, मेरा सब कुछ। ये देख, इसे तो मैं प्यार करता हूं। क्या? हाँ इसे मैं प्यार करता हूं। अरे तू तो घबरा गया। ये क्या तू रो रहा है? अरे पगले, कभी ऐसे हो सकता है कि हम दोनों एक ही लड़की से प्यार करें और हम दोनों को पता ना चले? हाँ कभी ऐसे हो सकता है? और वो क्या नाम क्या उसका? संगीता? संगीता? अरे मैं कोई संगीता वंगीता को नहीं जानता पागल, अरे मैं तो तेरे साथ मजाक कर रहा था। सच राम, तू मजाक कर रहा था? हाँ, जब तकदीर हम इंसानों के साथ इतने बड़े बड़े मजाक कर जाती है तो क्या मैं अपने दोस्त के साथ एक छोटा सा मजाक भी नहीं कर सकता क्या? अरे राम, तूने तो मेरी जान ही निकाल दी थी, मेरी धड़कनें बंद हो गई थी, ऐसा बेजान हो गया था जैसे किसी ने जिंदगी देकर मेरी सांसें छीन ली हो। मगर कसम है जिंदगी की जो तेरी दोस्ती पर जीती है राम, अगर तू उसे प्यार करता ना तो मैं तुम्हारे बीच कभी दीवार नहीं बनता, खुद जल जाता मगर तुम्हारे दिलों को कभी जलने नहीं देता। मुश्किल सख्त नजर आए दर्द से ये दिन
भर आए तेरी मेरी यारी पर ऐसा वक्त अगर आए यार न छोड़ू छोड़ दूं मैं यार न छोड़ू छोड़ दूं मैं सारा संसार राम अरे राम तुझे तुझे याद है ना आज शाम को मेरी शादी की बात पक्की करनी है ठीक 5 बजे यार तू सोच क्या रहा है तू मेरी शादी की बात नहीं करेगा तो और कौन करेगा यार तेरे सिवा मेरा इस दुनिया में है ही कौन मेरी जिंदगी का सवाल है हेलो लड़की का फोन है हेलो हाय मैं संगीता बोल रही हूँ यार तू घबरा क्यों रहा है कुछ प्राइवेट बात करनी है कर ले मुझे भी बहुत भूख लगी है मैं किचन से कुछ खा के आता हूँ तुम बोलते क्यों नहीं राम कैसे हो तुम ठीक हो पता है तुम्हें मेरे डैडी से तुम्हारा जिक्र कर दिया है और वो हमारी शादी के लिए राजी भी हो गई अब तो खुश हो ना राम हाँ बहुत खुश हूँ तो ठीक 5 बजे पहुंच जाना ओके आई लव यू क्या हुआ कहीं मेरी शादी का मामला वो तेरे प्राइवेट मामले में टांग तो नहीं अड़ा रहा है यार अगर टाइमिंग में कोई गड़बड़ है तो आगे पीछे करके एडजस्ट कर लेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे प्रॉब्लम बहुत है तेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा दोस्त अब मेरी मोहब्बत का अंजाम तेरे हाथ में है मेरे हाथ में हाँ दोस्त यार मेरा तो दिल घबरा रहा है तू अंदर जाकर क्या बात करेगा कुछ उलझन सी हो रही है तू घबरा मत तेरे साथ फिरो तक की उलझने अब इस राम की उलझने हैं तो आराम से गाड़ी में बैठ मैं आता हूं कितनी देर कर दी तुमने पता है 5 बजे का वक्त था अब न जाने क्या हो गया मुझे 5 ही तो बजे हैं क्या देख रही हो अच्छी लग रही हो ना बहुत अच्छी लग रही हो मेरे डैडी को सब कुछ बता दिया है सिर्फ तुम्हारा चेहरा देखने की देर है चलो चलो ना डैडी राम नमस्ते आओ बेटे आओ अच्छा मैं चलती हूँ मामला संभाल लेना संगीता क्या बात है संगीता संगीता मुझे बहुत डर लग रहा है डर डर की क्या बात है अरे जब शादी ब्याह की बात हो ना तो डरना चाहिए पता नहीं तुम्हारे डैडी डैडी क्या कहेंगे जो मेरी पसंद है वो ये उनकी पसंद है मेरी बेटी की शादी अवतार के साथ बिल्कुल नहीं मानूंगा इस रिश्ते को लेकिन क्यों अवतार कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं है वो मेरा दोस्त है अच्छा लड़का है वो सब मैं अच्छी तरह जानता हूँ लेकिन सिर्फ अच्छा ही होने से घर थोड़ी बसता है मेरी बेटी एक राजकुमारी की तरह पली है क्या कोई बाप अपनी बेटी को इस तरह गरीबी की तरफ धकेल देगा नहीं लेकिन संगीता ने तो कहा था कि तुम उसकी और अपनी शादी की बात करने आ रहे हो तुम खामोश हो गए राम बहुत अच्छी लड़की है इस घर की लक्ष्मी है वो जिसके भी घर जाएगी बड़ा नसीबों वाला होगा वो हाँ बड़ा नसीबों वाला होगा वो लेकिन मेरी भी कुछ मजबूरियां हैं समझ गया राम साहब मैं सब समझ गया मैं अपनी बेटी को भी समझा लूंगा आप जा सकते हैं
लड़का मेरी नहीं हो सकती क्योंकि मैं गरीब हूं और गरीब को प्यार करने का कोई हक नहीं है। मगर इस कमबख्त दिल को कैसे समझाऊं कि तू गरीब है, तुझे प्यार करने का कोई हक नहीं है। अवतार, मोहब्बत करने वाले इस तरह हिम्मत नहीं हारते। अरे मोहब्बत करने वालों का क्या हाल होता है तू क्या जाने। तूने कभी चोट खाई होती ना तो तुझे पता चलता। तू तो किस्मत वाला है रे, जो मेरे कांधे पर अपना सर रखकर रो तो सकता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें रोने के लिए कांधा भी नसीब नहीं होता। अरे पगले, जिसने अपने प्यार की तस्वीर के लिए अपना हाथ जला लिया हो, ऊपर वाला उसका दिल कभी जला नहीं सकता। तो देख लेना, एक ना एक दिन संगीता तेरी जरूर होगी। ये इस दोस्त की दोस्ती का वादा है। तू करने को क्या मांगता है? इतना प्रॉपर्टी, इतना दुकानी, इतना मकानी, इतना जायदाद, वो कटकांडा तू अवतार का नाम का ऊपर लिखने को मांगता है? लेकिन वकील साहब, मेरे दोस्त अवतार को ये कभी मालूम नहीं होना चाहिए। ये सब कुछ उसके नाम करने वाला उसका दोस्त राम है। मेरे नाम पे लाखों की जायदाद। लाखों की जायदाद दिख रहा, लाखों की जायदाद। जब भी तू छोटा होता नहीं तो इतना बड़ा बात तेरा दिमाग के अंदर कैसे जाएगा? देख मैं तेरे को समझाता है। तेरा रामपुर वाला चाचा का चाचा था ना सीतापुर में, उसके मामा का चाचा था ना उदयपुर में, उसकी पोटी के पोटे का पोटा था ना सिंगापुर में, उसकी छोकरी के छोकरे का छोकरा था ना कानपुर में, उसकी बेटी के बहन का भाई का छोकरा था ना उदयपुर में। थोड़ा दिमाग के ऊपर जोर डालेगा रे तो खबर तेरा समझ का अंदर आ जाएगा। एक तेरा नजीक का सगा वाला था जो वो दूर चला गया भगवान के पास, लेकिन आपका प्रॉपर्टी तेरा नाम का ऊपर करके चला गया। आपका खानदान का अंदर एक ही एक आदमी जिंदा रह गया, वो तू तू आ तेरा प्रॉपर्टी पेपर से। ये पानी पीने का है? ये मेरे साथ क्या रहा पेशेंट जी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे दिख रहा, फोकट का अंदर लाखों का जायदाद मिलता है, तू इस पे समझने और समझाने का क्या जरूरत है? थैंक यू फॉर योर वाटर, पन पानी गर्म था। पेशेंट जी। हेलो, राम साहब है? आप तो घर पे नहीं है। घर पे कहाँ गए हैं? मालूम नहीं। कब आएंगे? ये भी नहीं मालूम। डैडी, मैं जानता हूँ बेटी तू कल से बहुत परेशान है। क्या बताऊँ डैडी, जब से राम आपसे मिलके गया है ना उसका कुछ पता है ना आप कुछ कहते हैं, आखिर बात क्या है? राम का इंतजार मत कर बेटी। क्या? हाँ बेटी, वो इस घर का दामाद बनने के लायक नहीं है। क्या आप क्या कह रहे हैं? ठीक कह रहा हूँ, वो तुझसे शादी करने के लिए तैयार नहीं है। नहीं डरे, नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तो तुझे यही सलाह दूंगा बेटे, तू राम का ख्याल दिल से निकाल दे और अवतार से रिश्ता मंजूर कर। वो तुझसे बहुत प्यार करता है, अब तो उसके पास दौलत भी आ गई है, वो तेरे लिए। बस डैडी, बस, ऐसा तो मैं अपने भी नहीं सोच सकती हूँ। सलाम मैम साहब। राम साहब घर में है? ऊपर कमरे में। कबाब में हड्डी कहाँ से आ गई? चार्ले, तुम यहाँ कैसे? आने से पहले फोन तो कर लिया होता, ताकि तुम्हें अपने गुनाहों पर पर्दा डालने का मौका मिल जाता। अब मैं समझी कि तुम मुझसे
कि तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहते? नाराज क्यों होती हो डार्लिंग? तुम कहो तो ये प्रोग्राम कैंसल। कम ऑन संगीता, लेट्स बी फ्रेंड्स। चिल्लाती क्यों हो? लाइफ में तो ये सब कुछ होता ही रहता है, कभी तुम यहाँ कभी कोई और। शट अप! तुमने मेरे प्यार के साथ गंदा मजा किया है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। आज के बाद मुझे अपना चेहरा कभी मत दिखाना। मैं नफरत करती हूँ तुमसे। आई हेट यू। क्यों मैम, अपना नाटक ठीक रहा ना? तुम जा सकती हो। वाह मैन वाह, ना हाथ लगाया ना टच किया और इतना सारा नोट दे दिया। सुनो, ये राज राजी रखना। लेकिन मैं ये सब किस लिए, क्यों? इस लड़की के दिल में मेरी नफरत ही मेरे दोस्त की मोहब्बत बनकर जी सकती है। तुम भी एकदम कमाल का आदमी है मैन, अपना दोस्त के लिए अपना सब कुछ खो दिया। राम से मिलकर आई हूं, तेरे चेहरे का दर्द इस पाप का दिल समझता है बेटी। मैं जीना नहीं चाहती हूं डैडी, मैं जीना नहीं चाहती हूं। रो मत बेटे, रो मत। देख बेटे, उंगली में अगर जख्म हो जाता है ना तो लोग उंगली का इलाज करते हैं, पूरा हाथ काट कर नहीं फेंक देते। बेटे, अवतार तुझे दिलोजान से चाहता है और मैंने भी फैसला कर लिया है कि अब तेरी शादी होगी तो अवतार के साथ। राम, राम, राम मेरे दोस्त, संगीता से मेरी शादी की तारीख पक्की हो गई। सच मेरे दोस्त? यार किस्मत ने मैं क्या पलटा खाया, कल तक ना मेरे पास दौलत थी ना संगीता और आज मेरे पास सब कुछ है। तू कभी सोच सकता था ऐसा भी हो सकता है? इंसान जो सोचता है वो होता कहाँ है। सब कुछ हो सकता है मेरे यार, सब कुछ। पंडित ने तो मेरी शादी का मुहूर्त भी निकाल दिया, अगले सोमवार। अगले सोमवार? हाँ, क्यों? तेरी कुंडली के हिसाब से दिन अच्छा नहीं है क्या? ऐसा नहीं मेरे दोस्त, शायद मेरी किस्मत में तेरी शादी में आना नहीं है। तू और मेरी शादी पर नहीं आएगा, पागल हो गया क्या? ऐसा कभी हो सकता है? तू समझने की कोशिश कर अवतार, मेरी भी कुछ मजबूरियां हैं। क्या क्या क्या, क्या मजबूरी? ऐसी कौन सी मजबूरी है राम? अवतार, मैंने कह दिया ना कि मैं तेरी शादी पर नहीं आ सकता, मतलब नहीं आ सकता। देख दोस्त, संगीता मेरी जिंदगी है और मैं उसके बगैर एक पल भी जी नहीं सकता, मगर तू मेरी शादी पर नहीं आएगा ना तो समझ लेना ये शादी कभी नहीं होगी। अब फैसला तेरे हाथ में है। मंगलम स्वाहा, ओम नमः स्वाहा। लग्न का शुभ मुहूर्त बीता जा रहा है, अब ज्यादा देर ठहरना उचित न होगा। पंडित जी, लग्न का शुभ मुहूर्त तब आएगा जब मेरा दोस्त यहां पहुंचेगा। संगीता एक ही तो मेरा दोस्त है, उसके बगैर मैं, वो देखो आ गया। हेलो। हेलो अनंत। यही है मेरा दोस्त जिसके बगैर मैं एक पल भी जी नहीं सकता। शादी मुबारक हो दोस्त। मुझे पता था राम तू जरूर आएगा, मगर तू क्या करूं दोस्त, मैं जरा लेट हो गया। वो क्या है कि मैं इन जंजीरों में बंधा हुआ था ना। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि स्वाहा ओम नमः स्वाहा। चले।
ये रोज तुम गुलाब का फूल क्यों लगाती हो? फूल प्यार की निशानी होते हैं और खुशबू उसका एहसास। इस गुलाब के फूल में तो वो खुशबू है जो दुनिया के सारे गुलाबों में नहीं। सच? कसम से शानो। क्या कहा तुमने? शानो, मेरी शानो। कितना प्यारा नाम दिया है तुमने मुझे शानो। अब संगीता कहकर कभी मत बुलाना। और अगर बुलाऊं तो मैं समझूंगी तुम मुझसे नाराज हो। ऐसा वक्त कभी नहीं आएगा। सच? सच। जल्दी करो ना, अगर ये शो शुरू हो गया और एक भी आइटम मिस हो गया ना तो ये शो देखने के लिए दोबारा आना पड़ेगा। अरे ऐसा कौन सा प्रोग्राम है? अंदर जाके पता चल जाएगा। अरे चलो ना। ये तुम मुझे क्या दिखाने ले जा रहे हो? ऐसा गंदा प्रोग्राम देखने के लिए मैं हरगिज़ नहीं जाऊंगी। जिद मत करो, बड़ी मुश्किल से ये दो टिकटें मिली है। शानू कमाल है जी, दो टिकट क्या फट गए? लगता है आपके मूड की लाइटें ऑफ हो गई। इतना अच्छा प्रोग्राम छोड़कर इस होटल के कमरे मुझे सड़ा रही हो तो मूड नहीं ऑफ होगा? अगर आपके ऑफ मूड का फ्यूज हमने ऑन कर दिया तो? जानती हो किसका प्रोग्राम था वो? किसका प्रोग्राम था? मिस सलोमी का। मिस कलोमी का? अरे कलोमी नहीं, सलोमी। सलोमी क्या नाचती है वो! अरे बिजली है बिजली। लाइट को क्या हुआ? Oh,
देखो काका, अवतार जब हनीमून से वापस आएगा उसे ये घर पसंद आएगा ना? पसंद क्यों नहीं आएगा राम बाबू, उन्होंने कहा था जो आपकी पसंद है बस वही उनकी पसंद है। तेरा नाम जाने वफा है मगर तू बड़ी बेवफा। बिकू काका। हाँ राम बाबू। ये अपने गोपाल बाबू है ना? हाँ। इन्हें क्या हो गया? पागल हो गया बेचारा। पागल? बेहद प्यार करता था अपनी पत्नी से। अचानक एक दिन जब इसे पता चला इसकी पत्नी इसके बचपन के दोस्त के साथ प्यार करती है, बस दिल टूट गया बेचारे का। हाँ राम बाबू, किसी भी इंसान के साथ ये हादसा हो तो अंजाम तो उसका यही होगा ना। आवाज दिल में दर्द की आग लगाती है ना। ला 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 ला, ला ला ला। अरे भाई ये राम की खास धुन है, पत्थरों का कलेजा चीर दे और फिर तुम तो प्यार की मूरत हो। मुझे डर लग रहा है कहीं हम दोनों के बीच में कोई तीसरा ना आ जाए। कौन तीसरा आ सकता हम दोनों के बीच? ये सास। यह सास कहां, यह तो मेरे दोस्त की दोस्ती का एहसास है और एहसास सिर्फ दिल में यादों के दिए जलाते हैं, दिलों के बीच नहीं आते। दादाजी मैं चलता हूं। लेकिन बेटे मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही, तेरा दोस्त अवतार कल महीने भर बाद आ रहा है और तू है कि शहर छोड़कर जा रहा है। दादाजी शायद उसका आना और मेरा जाना वक्त का तकाजा है। देख बेटे मुझे बेवकूफ मत बना, मुझे मालूम है दिल से एक बार धड़कन दूर हो सकती है लेकिन अवतार से राम कभी दूर नहीं हो सकता। दादाजी वक्त आने पर तो आत्मा भी शरीर को छोड़कर चली जाती है। राम देखा शानो, इसे कहते हैं दोस्ती, दिल ने चार चांद ने मिला दिया। आ दोस्ता समाना हो गया गले मिले। अरे देख क्या रहा है, तू तो जानता है मेरी जिंदगी में दो ही तो चीजें हैं, एक तेरी दोस्ती और एक संगीता का प्यार। मगर दोस्त तू तो कल रात की फ्लाइट से आने वाला था ना? वो मैं यार। मगर तू कहाँ भाग रहा था इस गाड़ी में? हनीमून। क्या हनीमून? मतलब तूने भी शादी कर ली? नहीं यार, बगैर शादी वाला हनीमून। तू मुझे मरवाएगा,
मेरी पत्नी के सामने ऐसी बातें मत कर, उसने सुन लिया तो अपनी दोस्ती की इज्जत खराब हो जाएगी। अरे यार, ऐसी बातों से इज्जत थोड़ी खराब होती है, इज्जत बढ़ती है, दोस्ती बढ़ती है। हाँ यार, आजकल के जमाने में जिस मर्द के पास जितनी ज्यादा लड़की होती है ना, उसकी उतनी ही इज्जत होती है। तू नहीं समझेगा, मुझे मिलना है। अवतार, एक बात कहूं? कहो। तुम अपने दोस्त राम से मिलना जुलना छोड़ दो। हाँ, तो अब समझा मैं, उसकी उल्टी सीधी बातों ने तुम्हारा दिल तोड़ दिया है। देखो शानू, तुम उसकी बातों में बिल्कुल मत जाना। वो जो दिखता है ना, वो है नहीं, और वो जो है वो नजर नहीं आता। मेरी नजरों में मेरा राम भगवान राम के समान है। इतनी जल्दी अपनी नजरों में किसी को भगवान नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जब वो मूर्त जुड़ती है ना, तो वो धोखा बर्दाश्त नहीं होता। अरे मेरा राम अगर मुझे धोखा देगा ना, तो वो धोखा धोखा नहीं, मेरे लिए एक हसीन तोहफा होगा। शानू, तुम राम को नहीं जानती, तुम जिस दिन उसे जानने लगोगी ना, तुम भी उसे उतना ही जानने लगोगी जितना मैं चाहता हूँ। अवतार, तुम समझते क्यों नहीं हो? हाँ, मैं तो कुछ समझता ही नहीं हूँ, मैं तो बुद्धू बुद्धू। हाँ अंजना, मेरी जिंदगी तो बिल्कुल उस मक्खी की जैसी हो गई है, जो मकड़ी के जाल में पूरी तरह से फंस गई हो। मैं राम का चेहरा तक देखना नहीं चाहती, मगर मेरे पति उसका चेहरा देखे बगैर जी नहीं सकते। अरे बाबा, तू क्यों घबराती है? जब तेरा पति तुझसे खुश है, तो तुझे राम से क्या लेना देना हा? नहीं अंजना, मुझे बहुत डर लगता है, अगर उन्हें कुछ पता चल गया तो मेरा बसा बसाया घर बिखर जाएगा। घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन देर हो गई, मैं चलती हूँ अंजना। हमारा संगीता से अलग करने का कीमत 10,000 रुपया, और आज इस राज को राज रखने का कीमत 50,000 रुपया। मैं अपने दोस्त अवतार की खुशियों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। दोस्त हो तो तुम्हारा माफी। जूली, मैंने तुम्हारे रहने का इंतजाम यहाँ से बहुत दूर कर दिया है, क्योंकि तुम्हारा यहाँ रहना अवतार और संगीता की बसी बसाई दुनिया के लिए खतरनाक है। तुम डरता है कि हम इस राज को खोल देगा? हाँ। ये राज छुपते नहीं, छुपाए जाते हैं, और मैं अपनी जिंदगी के इस राज को छुपाने के लिए कुछ भी कर सकता हूं। सुबह मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं था। तुम्हें क्या हक था अपने दोस्ती पर मेरे प्यार की बलि चढ़ाने का? बोलो, किसने किसने दिया तुमको यह अधिकार? मारेगी।
माँ, मैं एक ब्याहता औरत हूँ, किसी के घर की इज्जत हूँ। मेरे दिल में राम का ख्याल आना भी पाप है। मुझे शक्ति दो माँ, मुझे शक्ति दो। राम ने तुमको राज बंद करने का वास्ते पैसा दिया। कुंडपा स्वामी तुमको राज खोलने का वास्ते पैसा देता। नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं करेगा। ऐसा नहीं करेगा तो मरेगा। वैसे हम ठोकरे के साथ कुछ करता नहीं, लेकिन जब हम करता तो हम बहुत डेंजरस। हमारा आदमी लोग बहुत खराब। इस वास्ते हम बोलना, हर काम प्यार से करना, प्यार से राज बोलना, प्यार से पैसा पकड़ना। पकड़ लिया यार। हम लोग एक ही शहर में रहने वाले, एक ही दिल में रहने वाले, और एक दूसरे से इतनी दूर। यार मैंने जब से शादी की तू पहली बार मेरे घर पर आ रहा है यार। दस और फेर यार। चानू, चानू। हाँ हाँ आई। देखो कौन आया। अरे धर्म पत्नी जी, समझाओ अपने मेहमान को, ये यहाँ आने के लिए राजी नहीं। ऐसा लगता है जैसे ये हमारे घर में कदम रखेगा और इस घर की किस्मत ही बिगड़ जाएगी। अच्छा राम, मैं कपड़े बदल कर आता हूँ, फिर लॉन में बैठ कर आराम से चाय पियेंगे। मेरा यहाँ ना मेरी मर्जी नहीं, मजबूरी है। आपकी मजबूरी और मर्जी क्या है मैं नहीं जानती। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि एक बार किसी का घर टूट जाए तो फिर वो कभी जुड़ता नहीं। जो लोग खुद अपनी मर्जी से टूटकर बिखर गए हो, वो किसी का घर तोड़ने की नहीं, जोड़ने की तमन्ना लेकर जीते हैं। कौन है ये भिखू चाचा? बड़ी दर्द भरी कहानी है इस बेचारे की। राम बाबू तो सब जानते हैं। यार राम, कौन है ये आदमी? अरे छोड़ना यार, क्यों गुजरी हुई कहानियों को छेड़ना, तू बैठना। लो बैठ गया, अब बता। अरे बताना यार। इस बेचारे की एक बीवी थी जिसे भागलों की तरह प्यार करता था। ठीक उसी तरह जिस तरह हम अपनी शानों को करते हैं। अच्छा फिर बता क्या हुआ। फिर अचानक उसे पता चला कि, अरे छोड़ना यार, क्या बेकार की बातों में उलझ रहा है तू। इतना सस्पेंस है ड्रामे में और तू बोलता छोड़ना यार। अरे बताना क्या हुआ उसकी बीवी को। शादी से पहले उसका कोई चाहने वाला था। क्या बकवास कर रहा है, बीवी का चाहने वाला? कौन था वो चाहने वाला बता रहे यार। बड़े दुख की बात है बाबूजी, वो कोई और नहीं, उसका अपना करीबी दोस्त था। ये कैसे हो सकता है शानू? और क्या बीती होगी उस बेचारे पर जब उसे पता चला होगा कि जिसे वो अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता है वो किसी और की चाहने वाली है। राम तुम सोच सकते हो आदमी किस मिट्टी का होगा जिसने अपनी दोस्त की बीवी के साथ प्यार किया और अपनी जुबान से अपनी मोहब्बत का राज तक नहीं बोला। कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में। मगर मैं तो बहुत किस्मत वाला हूं जो मुझे तुझ जैसा दोस्त मिला।
और शानो जैसी दी। अवतार बाबू आपका फोन। मैं अभी आया। वड़कम वड़कम सर, गुड इवनिंग मैडम, गुड इवनिंग अम्मा, सब ठीक ना जी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? आया गुस्सा ना को, पहले हमको बैठने को बोला ना जी। ऐसा का काम में हमको बैठने को कोई नहीं बोला था जी। बनाम को तो बैठता लाइक कैसा। चले जाओ यहाँ से वरना मैं तेरी। तेरा क्या जी? उधर हमारा गाड़ी खड़ा ना जी, जरा गाड़ी को देखो, गाड़ी का बार वो चौकरी को देखो। अम्मा तुम भी चौकरी को देखो ना जी। पहचाना जी? अम्मा हमारा चौकरी फोन किया तुम्हारा मरद को। उधर हमारा चौकरी तुम्हारा मरद से चार बात करेगा, इधर हम तुम दोनों से दो बात करेगा। यो लिट्टो हमको तुम दोनों का बारे में सब कुछ आकर तुम्हारा मरद सुनेगा बिग प्रॉब्लम। हमको तुम्हारा तुम्हारा दोनों का लपड़ा मालूम, ब्यूटीफुल लपड़ा। पर हम बोलेगा नहीं जी। चे, 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 नहीं बोलेगा। किसी का घर तोड़ कर क्या फायदा? इधर तुम्हारा घर टूटेगा, उधर तुम दोनों का फ्रेंडशिप टूट जाएगा। हम नहीं बोलेगा। इसलिए अम्मा हम तुमको जरा तीन मिनट का टाइम देता सोचने को और फैसला करने को, नहीं तो अम्मा बहुत बड़ा घोटाला करेगा। अम्मा कल 6 बजे अम्मा तुम्हारा काला बंगले पे वेटिंग होना। फैक्ट्री और जमीन हमारे नाम पे करके कागज पे साइन करके तो माना यौक वनकम वनकम। गुस्सा का तोड़ा नीचे को होना जी। अम्मा 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 आयो आयो अम्मा वाह। या अम्मा दो तो भी टाइम का इतना पक्का नहीं होगा जितना कि हमारा अम्मा। वाह माँ ये ले तुम्हारी पेपर्स, अपना सब कुछ तुम्हारे नाम लिख दिया है। आइंदा मेरे और अवतार की जिंदगी के बीच अपना ये मनु साया मत लाना। आये आयो हमें नहीं दिखाएगा जे हमारा कमीना भाई मार का नकीना। लेकिन अम्मा क्या कि हमारा भी कुछ स्टैंडर्ड हमें नहीं दिखाएगा। तुम घर जाके आराम से सोना जाओ। नहीं दिखाएगा, कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, सब कुछ करेगा। क्यों नहीं करेगा? करेगा क्या के ठंड का मौसम ना, थोड़ा आग लगाना बहुत जरूरी। आग लगाएगा मजा लेगा। हेलो अवतार स्पीकिंग। हाँ अवतार, हम गुंडप्पा स्वामी बोलता जी। हाँ बोलो। एक बहुत बड़ा राज का बात तुम्हारा वाइफ के बारे में बोलना जी। वाइफ के बारे में? ना ना फोन पे नहीं जी। बहुत तो सीरियस प्रॉब्लम तुम्हारा वाइफ के बारे में। एक काम करो तुम अभी इसी वक्त हमको नानावटी बंगले मिलो। हेलो इसको बोला था आग लगाना। गुंडप्पा स्वामी मैं तेरी आग लगाने से पहले तुझे बुझा दूंगा। हट।
ये बालज है, बहुत बारिज है। पार्टी में पहनने वाले थे ना, इसमें एक दाग लग गया है। मैं बहुत पसंद थी ना, चलो दाग तो धुल जाएगा, मगर इसमें पहले जैसी बात कहाँ रहेगी। तुम तो एकदम सीरियस हो गए, क्या हुआ बोलो ना। बिजनेस में कुछ नुकसान हो गया क्या, बोलो ना। तुम्हें मेरी कसम, देखो मैंने तुम्हें कसम दी है। शानू, बहुत शौक से एक बाग लिया था, यह समझ करके वो अछूता है। बाग बनते ही माली सबसे पहले हमारे हवाले कर गया, लेकिन आज पता चला कि हमसे बहुत पहले कोई और भी उस बाग से गुजर चुका है। तरीके, बस इतनी सी बात पर? अरे अभी तो बाग तुम्हारा है ना, वैसे ये टाई भी हमारी है, अपनी मर्जी से अपनी पसंद से अपने गले बांधी थी, लेकिन अब इस पर दाग लग गया है, अब इसमें वो बात कहां मिस्टर अवतार, आई एम इंस्पेक्टर पवार। यस। मरुम गुंडप्पा स्वामी जो एक एक्सीडेंट में मारा गया था, हमें कागजात वहां से बरामद हुए जो आपकी पत्नी संगीता जी की जमीन और टिम्बर एस्टेट के। थैंक यू, दैट्स ऑल राइट। संगीता की जमीन गुंडप्पा स्वामी के नाम। आप आ गए, आज आपका जन्मदिन है और आज खुशी के दिन भी इतना लेट हो गए। चलिए चलिए जल्दी से तैयार हो जाइए, वरना हर मेहमान की जबान पर सिर्फ एक ही सवाल होगा, अवतार सब कहाँ है, अवतार सब कहाँ है। कल शाम कहाँ गए थे तुम?
कल शाम आपके कोर्ट की डिलीवरी लेने गई थी, उसके बाद केक लेने। इसके अलावा और कहाँ गई थी तुम? आज के लिए सूट ठीक रहेगा ना? मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। कल शाम कहाँ गई थी तुम? मैं कहाँ जा सकती हूँ? आज आपका अचानक क्या हो गया है? क्यों शक भरे सवाल कर रही हो मुझसे? क्योंकि अब मुझे तुम पर यकीन नहीं रहा। कहना क्या चाहते हो तुम? अब कहने को रखा ही क्या है? ये सिंदूर, ये मंगलसूत्र, ये सब ढोंग है। नहीं, ये कैसे बेवड़ी बातें कर रहे हैं आप? शर्म नहीं आती आपको अपनी पत्नी के बारे में ऐसी बातें करते हुए? तो फिर ये सब क्या है? क्या है ये? क्यों, आप खुद के चेहरे पर हजारों सवाल खड़े हो गए, किस सवाल का क्या जवाब दूं? कैसे सवाल, कैसे जवाब, क्या कह रहे हैं आप? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो बताओ, जिस जमीन और फैक्ट्री को बचाने की तुमने इतनी कोशिश की, वो इतनी आसानी से सब कुछ तुमने गुंडा पर स्वामी के नाम कैसे कर दिया? बोलो, जवाब दो। तुम्हारे सवाल का मैं जवाब नहीं दे सकती हूँ। ऐसी कौन सी मजबूरी है जिसे छुपाना तुमने अपना धर्म समझा? आखिर ऐसा कौन सा राज है जो तुम मुझे नहीं बता सकती? मेरा ऐसा कोई राज नहीं, कोई राज नहीं। झूठ बोलती हो तुम? हाँ हाँ, झूठ बोलती हूँ। अगर तुम सच सुनोगे तो क्या होगा? यही ना, मैं जान जाऊंगा जिसे मैं अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ, उसका जाने वाला कोई और है? दिन मुबारक हो दोस्त। अरे कमाल है, नीचे सारे मेहमान तेरा इंतजार कर रहे हैं और तू अभी तक तैयार भी नहीं हुआ। चल जा, जल्दी से तैयार हो। संगीता, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम्हारी जिंदगी में ऐसा तूफान भी आएगा। तूफान तो उस दिन आएगा जिस दिन अवतार को इस बात का पता चल जाएगा कि संगीता जिसे प्यार किया करती थी वो कोई गैर नहीं बल्कि उसका अपना दोस्त राम है। तेरा नाम जाने वफा है मगर मेरी जान तुझ पर फिदा है मगर तू बड़ी बेवफा है। वाह अवतार साहब, वाह, मजा आ गया, बड़े गजब का शेर था। लेकिन अवतार साहब, एक बात समझ में नहीं आई, जिससे इज्जत, शोहरत और किस्मत सबने ही वफादारी की हो, उसकी जबान पर यह बेवफाई भरा शेर। किसने की है बेवफाई आपसे, जरा हमें भी तो बताएं। तेरी बेवफाई का शिकवा करूं तो, तेरी बेवफाई का शिकवा करूं तो, ये मेरे मोहब्बत की तौहीन होगी। तेरी बेवफाई का शिकवा करूं तो, ये मेरे मोहब्बत की तौहीन होगी। परी बज़्म में तुझको रुसवा करूं तो, परी बज़्म में तुझको रुसवा करूं तो, ये मेरी शराफत की तौहीन होगी। तेरी बेवफाई का शिकवा करूं तो, ये मेरी मोहब्बत
फिल्म होंगे न मेले में होंगे, न महफिल में होंगे न मेले में होंगे, ये आपस की बातें अकेले में होंगे। मैं लोगों से तेरी शिकायत करूं तो ये मेरी शिकायत की तौहीन होगी, तेरी बेवफाई का शिकवा करूं तो ये मेरी मोहब्बत की तौहीन होगी। तुझे बेशरम बेमुरौवत कहूं तो ये मेरी मुरौवत की तौहीन होगी, तेरी बेवफाई का शिकवा करूं तो ये मेरी मोहब्बत की तौहीन होगी, तेरी बेवफाई करूं तो। भगवान मेरे सिंदूर को पाप के नाम से बचा ले, मेरे पति के मन में उठने वाले इन तूफानों को शांत कर दे, मेरे घर को उजड़ने से बचा ले। ये प्रार्थना तो उनको करनी चाहिए जो बसे बसाए उजड़ गए। जिंदगी इतनी बदल जाएगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अवतार तुम जो सोच रहे हो वो सब गलत है। गलत क्या सही क्या मैं अच्छी तरह समझता हूँ संगीता। क्या संगीता तुमने मुझे अपनी शानों से संगीता बना दिया? नहीं, ऐसा मत कहो, मैं तुम्हारी हूँ, सिर्फ तुम्हारी, और मरते तक तक तुम्हारी ही रहूंगी, और जब तक जीऊंगी एक पत्नी का धर्म निभाती रहूंगी। कल लगने वाले इस फूल की ताजगी कुछ और थी, आज ना इसमें वो ताजगी है ना पहले वाली वो खुशबू। नहीं दोस्त, इस फूल की ताजगी भी वही है, खुशबू भी वही है, बस तेरे सूंघने का अंदाज बदल गया है। मेरा अंदाज क्या, लोगों का तो ईमान तक बदल गया है। रोमन सविता, ये तकदीर का कैसे इम्तिहान है, ये तुम्हारी कुर्बानी का कैसे सिला है जो आहिस्ता आहिस्ता मेरा गला घोट रहा है। ना मैं जी सकती हूँ ना मैं मर सकती हूँ, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मगर अब उसे बर्दाश्त करना होगा, सच्चाई का वो कड़वा जहर पीना होगा उसे जो आज तक तुम्हारे इन आंसुओं में बहता रहा है। नहीं राम,
भगवान के लिए ऐसा मत करना, ये सदमा उनसे बर्दाश्त नहीं होगा। उसे ये सदमा बर्दाश्त करना होगा, क्योंकि अब मुझसे तुम्हारा ये हाल बर्दाश्त नहीं होता। अवतार, मैं तुमसे कुछ कहने आया हूं। तो भी कैसा दोस्त है यार, ये तो आज मुझे इत्तेफाक से पता चला कि ये सारी जायदाद और तूने अपना ढेर सारा रुपया मेरे नाम कर दिया। मेरी चाहते पूरी करने के लिए जिंदगी भर तू मुझे देता ही आ रहा है। काश मेरे पास तेरी पसंद की कोई ऐसी चीज होती जो मैं तुझे दे सकता दोस्त, तुझे। अरे हाँ, तू मुझसे कुछ कहने आया था ना? कुछ नहीं दोस्त, कुछ नहीं। इस बोतल में कोई जहर मिला क्यों नहीं देता? एक ठोकर से मुझे जिंदगी भर इसी तरह अपने बाहों में रखना। सजा दे रही है तू मुझे? तुमसे शादी की उस जुर्म की सजा, तुम्हें अपना देवता माना उस जुर्म की सजा। देखो मुझे, जी रही हूं मैं एक जिंदा लाश की तरह। कैसे सुहागन हूं मैं जिसका पति उसके पास तो है मगर साथ नहीं। साथ छूटे और खाई हुई कस्में टूटे तो जमाना हो गया संगीता जी, अब तो सिर्फ ये सांस टूटना बाकी है। नहीं। फिर तुम भी आजाद और हम भी आजाद। ये तुम्हें क्या हो गया अवतार? क्यों बहकी बहकी बातें कर रहे हो? आखिर तुम चाहते क्या हो? बोलो, जवाब दो। मैं उस इंसान का नाम जानना चाहता हूं संगीता जी, जो हम दोनों के बीच दीवार बन गया है। मैं उस इंसान की शक्ल देखना चाहता हूं जो हमारी इस बर्बादी का तमाशा देख रहा है, और तुम बनी बैठी हो शक्ल को छुपाने वाला पर्दा। कौन है वो? आखिर कौन है वो जिसकी जान तुम्हें मेरी जान से भी ज्यादा प्यारी है? जब तक मैं असलियत नहीं जान लेता, ये बोतल मेरे हाथ से छूटेगी नहीं। हेलो, कौन बोल रहा है? राम। संगीता, क्या हुआ तुम्हें? बोलो ना, क्या हुआ तुम्हें? क्या बताओ, कुछ भी करो राम, मेरे पति को बचा लो, वरना वो शक और नफरत की आग में खुद को मिटा देंगे। अब शराब उनके लिए जहर बन चुकी है जिसे वो छोड़ नहीं सकते। मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। अवतार, क्यों बर्बाद कर रहा है अपनी जिंदगी? क्यों जुल्म कर रहा है इस बेचारी पर? जुल्म मैं नहीं, मेरे दोस्त
जुल्म तो ये बेचारी कर रही है मुझ पर। आज तक मैं तुमसे छुपाता रहा, लेकिन आज मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा, सब कुछ बता दूंगा। ये औरत नहीं, औरत के भेस में एक नागिन है। होठों पर मेरा नाम, लेकिन दिल की धड़कनों में किसी और का नाम लेकर जीती रही है ये पत्नी नहीं, पत्नी के रूप में कलंक की लिए। बस कर अवतार, बस कर। अरे कैसे बस करूं मैं? क्यों नहीं बताती मुझे उस आदमी का नाम जिसके साथ कभी इसका कोई रिश्ता था? पूछ इससे कौन है वो? तू जानना चाहता है ना उस आदमी का नाम? कौन है वो? वो कोई गैर नहीं, तेरा अपना दोस्त है वो। हाँ अवतार, वो मैं हूँ, मैं। झूठ है मेरे दोस्त, यह झूठ है। ये झूठ नहीं दोस्त, ये वो सच है जिसे कहने की आज तक मुझ में हिम्मत नहीं थी और आज तुम में सुनने की ताकत नहीं है। मैंने भी संगीता के साथ जीने और मरने के ख्वाब देखे थे, कस्में खाई थी हमने, मगर उस वक्त मैं ये नहीं जानता था कि तू भी उसी संगीता से मोहब्बत कर बैठा है, उस संगीता से जिसके बगैर मैं एक पल भी जी नहीं सकता। मगर जब मुझे तेरी मोहब्बत का पता चला, मेरे प्यार की पूजा दम तोड़ गई, मेरे प्रेम का मंदिर टूटकर बिखर गया, तड़पता रह गया मैं तेरी दोस्ती के आगे। और मैंने धोखेबाजी की है, मैंने धोखेबाजी की है। अगर तेरे साथ नहीं दोस्त, इस संगीता की मोहब्बत के साथ, ऐसा बलिदान कर दिया तूने मेरे दोस्त, ये तूने क्या कर दिया? तू तो सारी जिंदगी मुझे देता ही आ रहा है, अपना धन, अपनी दौलत, सब कुछ तो दे दिया मुझे, यहां तक कि बचपन में अपनी मनपसंद साइकिल भी। अरे साइकिल तो बाजार में हजारों मिल सकती थी, लेकिन संगीता तो सिर्फ एक थी, सिर्फ एक। कसूर तेरा नहीं है मेरे दोस्त, कसूरवार मैं हूं। तुम दोनों के बीच दीवार बनने वाला मैं हूं। अरे मैं दोस्त कहां, मैं तो एक लुटेरा हूं, दोस्त की मोहब्बत को छीनने वाला एक डाकू हूं। मगर अब मेरे पाप के प्रायश्चित का सिर्फ एक ही रास्ता है, तो प्यार करने वाले दिलों को फिर से मिला दूं। खबरदार अवतार, मैं तुम्हारे पैरों में अपना दम तोड़ दूंगी, जो एक रोज भी आगे कहा तो। कैसे पति हो तुम, भूल गए अग्नि पर खाई हुई उन कसमों को, किस मंत्र सूत्र को, मांग में भरे हुए सिंदूर को? तमाम मंत्र भूलकर दोस्ती का मंत्र पढ़ने लगे, जीवन बंधन न हुआ, खिलौना हो गया। इनका दिल चाह तो इन्होंने अपनी दोस्ती के नाम पर मेरे प्यार की बलि चढ़ा दी। जब उस बलिदान का एहसास तुम्हें हुआ, तो तुमने अपनी दोस्ती के नाम पर उससे भी बड़ा बलिदान करने को तैयार हो गए। कैसा बलिदान? मैं तो अपने दोस्त का छीना हुआ प्यार उसे लौटा रहा हूँ। नहीं अवतार, नहीं, ऐसा मत कहो। यह सच है कि हमने प्यार किया था, मगर प्यार एक जज्बात है जो किया नहीं जाता, इत्तेफाक से हो जाता है। मगर शादी तो कभी ना टूटने वाला एक बंधन है, एक हकीकत है कि वो रिश्ता है जो सांस टूटने के बाद ही टूटता है। तुम ठीक कहती हो संगीता, बिल्कुल ठीक। अब ना सांस रहेगी ना ये बंधन। Sir!
मुझे नहीं पता राम, अगर इन्हें कुछ हो गया तो इस घर से एक नहीं दो हथियार निकलेगी। डॉक्टर, ये पेशेंट की ब्लड रिपोर्ट। डॉक्टर साहब, कैसे हैं मेरे पति? ब्लड रिपोर्ट से पता चलता है कि जहर तुम्हारे पति के खून में फैल गया। नहीं डॉक्टर साहब, कैसे भी मेरे पति को बचा लीजिए प्लीज। उनको बचाने के लिए उनके शरीर का पूरा खून बदलना पड़ेगा। oh, और वो ब्लड ग्रुप हमारे पास। डॉक्टर साहब, अवतार और मेरे ब्लड का ग्रुप एक ही है, जिसम से खून की एक एक बूंद निचोड़ लो, रफ्तार को बचा लो। डॉक्टर को और खून की जरूरत नहीं है? जरूरत तो है, लेकिन मैं और खून नहीं ले सकता। क्यों? इससे तुम्हारी जान को खतरा है। तो पर डॉक्टर, जब तक आपको कहीं से खून नहीं मिलता तब तक थोड़ा थोड़ा मेरा खून देते रहिए ना प्लीज डॉक्टर। बस इससे ज्यादा मैं नहीं ले सकता, वरना तुम्हारी जान भी जा सकती है। देखिए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, आगे भगवान मालिक है। हेलो, नेशनल हॉस्पिटल, आपके पास आरएस नेगेटिव का ब्लड ग्रुप है? नहीं है? क्या हॉस्पिटल, आपके पास आरएस नेगेटिव का ब्लड ग्रुप है? क्या आरएस नेगेटिव का ब्लड ग्रुप कहीं अवेलेबल नहीं? ओह माय गॉड, मैडम आपके पति होश में आ गए। मुझे क्यों बचा? मुझे मर जाने दो, मुझे मरना। कैसी बात कर रहे हो तुम? एक इंसान ने तुम्हारी जिंदगी बचाने के लिए अपने शरीर के खून का एक एक कतरा तुम्हें दे दिया और तुम हो कि जीना नहीं चाहते। क्या कह रहे हैं आप? हाँ, इस वक्त तुम्हारा दोस्त अपनी जिंदगी और मौत के बीच की घड़ियां गिन रहा है। डॉक्टर साहब, ये नहीं हो सकता। कहां है वो डॉक्टर साहब? डॉक्टर राम के तुम डॉक्टर, तुम इस हालत में यहाँ? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, राम किस रूम में है? उधर इंटेंसिव केयर में। राम डॉक्टर साहब, आई एम सॉरी, अपने हाथों खुद इसने अपनी जान ली है, अब कुछ नहीं हो सकता।
क्या किया राम, कैसी दोस्ती निभाई तूने अपने खून के कतरों से अपनी जिंदगी में मुझे दे दी। ऐसा नहीं हो सकता राम, ऐसा नहीं हो सकता। तू मुझे कुछ देना चाहता था ना, ऐसा अपना